बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a अपान sec a इज इक्वल साइन स्क्वायर 1 - cos a। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना क्योंकि वो ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा फार्मूला भी यूज हुआ है, थोड़ा अपने से भी बड़ा भाग करना पड़ा है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। ठीक, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उतारते हैं। देखिए हम लिख लेते हैं 1 + sec a अपान sec a, ठीक है। 1 + sec a को हम लिख सकते हैं 1 / cos a और उसको भी लिख सकते हैं 1 / cos a। चूँकि sec a होता है 1 / cos a, इसको अब लिख सकते हैं हम cos a + 1 / cos a / 1 / cos a। cos a से कट गया तो ये हो जाएगा आपका 1 + cos a, ठीक है। अब इसमें 1 + cos a में ऊपर नीचे 1 - cos a से गुणा करने पर, 1 - cos a से गुणा करने पर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 - cos² a / 1 - cos a। 1 - cos² a को हम लिख सकते हैं sin² a / 1 - cos a। चूँकि 1 - cos² a ये होता है आपका sin² a, इसलिए बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। ठीक क्वेश्चन था, इसको अच्छे समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको समझना देख लीजिए। एक बार फिर बता दे रहे हैं आपको, 1 + sec a / 1 - cos a, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आप लीजिए लिए 1 + sec a / 1 - sec a लिखते हैं, sec को हम लिख सकते हैं क्या 1 + 1 / cos a और sec 1 / cos a हो गया, ठीक है। इसको दिल सिंगल करके ऊपर नीचे cos a काट दिए, फिर 1 + cos a हो गया। इसमें यही एक ट्रिक है, 1 - cos a / 1 - cos a से बड़ा भाग करने पर तो ये हो जाएगा आपका 1 - cos² है। चूँकि आप जानते हैं a² - b² बराबर होता है a + b a - b, इसलिए ये हो गया a + b a - b। इसको लिख सकते हैं हम कितना, a² - b² एक का स्क्वायर हो गया है, एक स्क्वायर एक ही होता है, इसलिए 1 - cos² a / 1 - cos हो गया, तो 1 - cos² को sin² a / 1 हो गया, सिद्ध हो गया, क्योंकि हमको यही सिद्ध करना था और ये यहाँ सिद्ध हो गया, ठीक है बच्चों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।